हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। मैं हाँ गगनदीप शर्मा, तो अज मैं थोड़े लिए लेके आया पंजाब एक्साइज इंस्पैक्टर एग्जाम 2023 दे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस ने, जिस दे विच कि आप पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ते ज्योग्राफी, ते करंट अफेयर्स कवरअप करते हैं। सो सब तो पहला आप क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि इस बार दे एग्जाम दे विच आया सी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पंजाब इज़ अपॉइंटेड बाय। अच्छा, बेसिकली जिमें कि मैं लास्ट वीडियो दे विच दस्या सी, जदों आपां पंजाब जीके दे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे सी, कि ये जिहड़ा वर्ड इत्थे पंजाब है, यह सिर्फ बच्चों नूं कन्फ्यूज़ करन दे लई इत्थे लिखिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर इन्होंने ये पूछा इलैक्शन कमिश्नर ऑफ पंजाब कि पंजाब दे इलैक्शन कमिश्नर नूं अपॉइंट कौन करता है या किसने किया है ना, तो उसका इक्को जवाब है ऑल ओवर इंडिया। अगर केरला का पूछा जाए तो भी उही आंसर है, अगर पंजाब का पूछा जाए तो भी उही उत्तर होएगा। आपां आर्टिकल 243 के दे विच जिथे आपां पंचायत वाला पाठ जिहड़ा आपां पढ़दे हां, पंचायत वाला पाठ है जिहड़ा आपां पढ़दे हां, आर्टिकल 243 के, उस दे विच की प्रोविजन दित्ती हुई है कि पंजाब का या स्टेट का जिहड़ा इलैक्शन कमिश्नर है, एक्चुअली इट इज़ अ सिंगल मैंबर बॉडी, तां करके आपां सीधा कमिश्नर ही लिखे, ठीक है। अदरवाइज़ आपां इलैक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट लिख सकते सी या इलैक्शन कमिश्नर ऑफ पंजाब अगर मल्टी मैंबर बॉडी होवे, बट स्टिल इट इज़ अ सिंगल मैंबर बॉडी नाउ, तां करके आपां इलैक्शन कमिश्नर लिखे है। गवर्नर दे द्वारा इलैक्शन कमिश्नर है जिहड़ा, वह अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है जी। आपां लास्ट टाइम भी एक होर चीज़ देखी सी, लास्ट टाइम आपां पंजाब जीके दे विच एक क्वेश्चन डिस्कस किया सी जो कि पॉलिटी रिलेटेड सी। उन्होंने पूछा सी कि लोकल बॉडीज़ दे विच, पंजाब दी लोकल बॉडीज़ दे विच वेमेन दी जिहड़ी रिजर्वेशन है उहदा किन्ना हिस्सा है ना, 1/3। मतलब कि इस तो आपां नूं की पता चलता कि पॉलिटी दे विच इहनां दा फेवरेट टॉपिक किहड़ा होया, पंचायत्स सी। दो क्वेश्चन इको पेपर दे विच पंचायत दे टॉपिक चों ही आ रखे आ, ठीक है। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्वड, सेम क्वेश्चन है, मैं इत्थे भी एक बार फिर रिपीट किया ताकि तुसी थोड़ा रिलेट करके देख सको। हाउ मैनी सीट्स आर रिजर्वड फॉर वुमेन इन ऑल पंचायत्स इन पंजाब एट ऑल लैवल्स, कि पंचायत दे तीनों लैवल से, जिला परिषद, ब्लॉक समिति ते ग्राम पंचायत, तीनों लैवल्स से वुमेन की रिजर्वेशन कितनी है, 1/3। लास्ट टाइम भी आपां कीता सी, दो क्वेश्चन तो सीधा पंचायत चों ही आ गए। नैक्सट क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आउट ऑफ द प्रव्यू ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने की पूछा कि आउट ऑफ द प्रव्यू मतलब कि आर्टिकल 21 चों बाहर केड़ा आर्टिकल है। अच्छा, तुसी सब तो पहले इसका आंसर जिहड़ा तुसी कॉमेंट बॉक्स के भी दे सकते हो, बट इत्थे आपां एक एक चीज़ डिस्कस करांगे। राइट टू लाइवलीहुड जिहड़ा है, यह आर्टिकल 19 दे विच दित्ता होया कि बंदे नूं रहण दा जिहड़ा बहुत अधिकार है, मतलब अधिकार है। राइट टू लाइफ तो चलो 21 है ही, है ना। सैक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कस प्लेस ये चीज़ है। कैपिटल पुनिशमेंट मतलब डैथ पेनल्टी, वैसे डैथ पेनल्टी जिहड़ी है वो दित्ती जा सकती है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसका आंसर की है ए होएगा, ठीक है। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर की है, कैपिटल पुनिशमेंट। उस तो बाद इलेक्शन कमीशन एडवाइजेज होम ऑफ द फॉलोइंग ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मैंबरस ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर, कि जोड़े MLAs होंगे उन्होंने अगर डिसक्वालिफिकेशन करनी होएगी किसी कारण वजों, जिमें कि अगर मान लो वह पार्टी चेंज कर लेंगे है ना, या कोई दूजी या वो अपनी पार्टी तो रिजाइन कर लेंगे या विप के अगेंस्ट वोट कर देंगे, तो उन्होंने डिसक्वालीफाई किया जाता किस दे द्वारा, स्पीकर दे द्वारा। तो स्पीकर नू उन्हां मैटर्स ते कौन एडवाइस दूगा, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन विल एडवाइस ऑन दी फॉलोइंग ऑन दी मैटर्स रिलेटिंग टू डिसक्वालीफिकेशन ऑफ स्टेट लैजिस्लेचर मैंबर्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन दे ही देखो दो क्वेश्चन, एक इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस इन विच नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस बिटवीन द गैस एंड द सराउंडिंग्स। वैसे यह जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है, बट स्टिल एडियाबैटिक प्रोसैस जो होंगे, एडियाबैटिक प्रोसैस के हों, हीट एनर्जी जी वो
मतलब कि हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होंदा गैस ते ओदी सराउंडिंग्स दे विच। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। वैसे ये अगर देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड के नाल भी नाइट्रोजन ऑक्साइड के नाल भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के नाल भी ग्रीन हाउस इफेक्ट जो प्रोड्यूस होंदा। बट इन्होंने की पूछे एक्सेस अमाउंट। अगर आप परसेंटेज वाइज देखिए तो वाटर वेपर है जोड़ा वो सब तो वध है, ठीक है, उस तो बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मिथेन, ठीक है। तो इसका मतलब अगर देखा जाए एलिमिनेशन मैथड के नाल भी तो फर्स्ट थ्री जोड़े है वो कि वॉटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिथेन, तो इतने आंसर की होएगा मिथेन, ठीक है। काफ़ी बच्चे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लगा के आए होंगे, बट द करैक्ट आंसर इज मिथेन। उस तो बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द परमिसिबल नॉइस लैवल फॉर रेजिडेंशियल एरियाज फॉर द डे टाइम एज डिकलेयर्ड बाय द CPCB, ठीक है। मतलब कि तुसी किन्नी ज़्यादा जिहड़ी आवाज़ वह आप क्रिएट कर सकते हैं DJ वगैरह लगा के अलाउड स्पीकर के नाल, तो किन्नी है 75 decibels, ठीक है। रात के लिए किन्नी है 55 decibels। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर कंसिस्ट ऑफ द ओजोन लेयर दैट इज रिस्पोंसिबल फॉर एबजॉर्बिंग UV रेज, ठीक है। ये जोग्राफी का जो टॉपिक है अपना एटमोसफेयर वाला, उस दे विच आपां करते हैं लेयर्स ऑफ एटमोसफेयर। सब तो नीचे कीड़ी होंदी है ट्रोपोसफेयर, उस तो बाद स्ट्रैटोसफेयर, तो स्ट्रैटोसफेयर दे विच ही एक होर लेयर जी आप पढ़ते हैं ओजोनोसफेयर, ओजोनोसफेयर। तो इत्थे सही आंसर की होएगा स्ट्रैटोसफेयर, ठीक है। जोग्राफी दे विच भी तुसी चीज़ देखो, लास्ट क्वेश्चन जिहड़ा आप इस तो पहला आप डिस्कस किया ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, वह भी क्लाइमेटोलॉजी चो है, तो ये जिहड़ा टॉपिक है ये जिहड़ा क्वेश्चन है यह भी क्लाइमेटोलॉजी चो है। तो जोग्राफी दे विच इन्हां दा फेवरेट टॉपिक कि क्लाइमेटोलॉजी, पॉलिटी दे विच किहड़ा इलैक्शन कमीशन ते पंचायत, अगर इस पेपर की गल की जाए तो। विच कंट्री, हुण आपां करंट अफेयर्स ते आ गए, विच कंट्री इज़ द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशनस। तो इसका वैसे चाइना, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है अज के टाइम पर, फैक्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा उत्तों, तो करके पर कैपिटा ग्रीन हाउस एमिशन गैस एमिशन जिहड़ियां ने चाइना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे सब तो ज़्यादा। नोबल प्राइज़ ऑफ फिजिक्स 2022। अच्छा, किसी भी एग्जाम के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो करंट अफेयर्स 6 months से बहुत होंगे है, मोर दैन सफिशेंट, ठीक है। मतलब अगर तुम पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर PSSB के किसी भी एग्जाम के लिए या कोई होर है ना B ग्रुप C ग्रुप तक कोई भी एग्जाम की तुम प्रैपरेशन कर रहे हो तो 6 months करंट अफेयर्स आर मोर दैन इनफ। बट जिहड़े बाकी इस तो पुराने जिहड़े बाकी दे करंट अफेयर्स ने मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स वो भी आप पढ़ने। फॉर एग्जाम्पल जिमें कि मई के एग्जाम होया सी एक्साइज का, है ना, तो मई, अप्रैल, मार्च, फैब, जनवरी, दिसंबर, अक्टूबर, सॉरी नवंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर के करंट अफेयर के इन्होंने नोबल प्राइज़ का क्वेश्चन पूछा होया है 7वें महीने का, मतलब कि अगर पिछे नूं जाइए तो 7वां महीना बनता है। बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि हर साल जो नोबल प्राइजिज़ है वह दिते जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हर साल, ठीक है। इसका आंसर की है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है जी। तो इस बारी क्वांटम मैकेनिक्स जोड़ा नोबल प्राइज फिजिक्स का दिता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया तो अपने अकॉर्डिंग भी आप थीम रखे है वसुदेव कुटुंबकम, है ना। जगह जगह से आप पढ़ते रहे हैं, चंडीगढ़ के भी जगह जगह बोर्डिंग्स लगे हुई सी वसुदेव कुटुंबकम, उसका मतलब की है कि एक अर्थ एक परिवार तो एक भविख, ठीक है जी। अच्छा, जेडे भी थीम्स या कोई भी जी समिट्स वगैरह या कन्वेंशन इदा दियाँ करंट के पढ़ो तो नाल दी नाल थोड़ी वो डिटेल होर लिख लिया करो अपना साइड पर, जिमें कि वह थीम की है, वेन्यू की है, होस्ट कौन है, होस्ट कंट्री कि है, प्रेजिडेंटशिप किस कोल है,
किहड़े-किहड़े इशूज आ जिहड़े वो डिस्कस किए गए आ, ज़्यादा डिटेल च नहीं जाना, जस्ट आ पांच छे चीज़ां जिहड़ियां ने वो तुसीं ध्यान दिया करो थोड़ा, ठीक है। इदां ही अगर तुसीं कोई रिपोर्ट पढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल टैररिज्म रिपोर्ट या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनैस रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट दे विच आपां की पढ़ना, उस रिपोर्ट दे विच आपां की पढ़ना, रिपोर्ट का नाम याद होना चाहिए, पब्लिशर, पब्लिश्ड बाय, पब्लिश कौन कर रहा, थीम की है, ते रैंकिंग। रैंकिंग दे विच आपां दो तरह करना, एक तो टॉप टॉप थ्री रैंक, उस तो बाद इंडिया एंड नेबर्स, इंडिया का किन्ना रैंक है ते नेबर्स का किन्ना रैंक है, कि पाकिस्तान अगे तो नहीं या पाकिस्तान पिछे है या बांग्लादेश पिछे है, ठीक है। स्टिल अपना कोई कॉम्पीटिशन नहीं है उन्होंने नाल, बट स्टिल दे आर आर नेबर्स, ता करके आपां नूं थोड़ा ध्यान रखना पैना। नैक्सट क्वेश्चन दे चलते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ अ डोमिनेट मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय ओनली अ फ्यू फर्म्स, बाय ओनली अ फ्यू फर्म्स। अच्छा, सब तो पहले आप सारे देख लेने, परफेक्ट कॉम्पीटिशन की होंगे, जिथे मोनोपली ना हो, जिथे मतलब कि काफ़ी सारिया शॉप्स होन, ते चेज़ करने वाले या जेडे बायर्स ने वो भी काफ़ी ज़्यादा होन, तो परफेक्ट कॉम्पीटिशन, ठीक है, कि सानू पता कि इतों नहीं लवेंगे तो दूजी शॉप तो ले लेंगे, वो चीज़ मोनोपली, सानू पता है कि ये चीज़ है जी साडे को मिलनी है, मतलब कि कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट ना मिले, है ना, कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है उस चीज़ का कि जो कि मैं दूजी शॉप तो जाके ले लूँगा, उत्थे की होंगी है मोनोपली। ओलिगोपोली की होंगी है, मार्केट स्ट्रक्चर डोमिनेटेड बाय ओनली अ फ्यू फर्म्स। हुण मतलब कि जी मार्केट है वह कुछ एक कंपनीज़ ने डोमिनेट कर रखी है, तो हुण उत्थे उन्हां कोल दो चॉइसिज़ होंदियां ने, या तो वो कोऑपरेट करके काम करन, एक दूजे दे नाल कोऑपरेट करके, कि भाई आपां की करना, आपां प्राइसिस जिहड़े आ उह 100 रुपीज़ पर यूनिट रखना, ठीक है, या फिर एक दूजे दे नाल कॉम्पीटिशन कर लैण। कॉम्पीटिशन किवें, कि भाई मैं अगर वह 100 च दे रहा तो मैं 95 च दूजा 90 च देण लग गया, ठीक है ना, तो वह चीज़ है ओलिगोपोली इज़ द राइट आंसर। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन की है, कि वैसे मोनोपोलिस्टिक कॉम्पीटिशन दे विच की है कि भाई हुंदी मोनोपोली है, बट उन्होंने कोले कोई परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं हुंदा, ठीक है। मोनोपोली दे विच की हुंदा कि साड़ी ही डोमिनेशन है बिल्कुल, कि जो साडे कोल मिल रहा वो सानू मतलब कि वो किते होर मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर की है ओलिगोपोली। उस तो बाद विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कुछ नहीं है, बजट बारे पूछे है कि भाई बजट किहड़े आर्टिकल दे अंदर दिता होया, 112। अच्छा, बट जिहड़ा बजट जिहड़ा वर्ड है या टर्म है वह किते भी मैनशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन दे विच, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन दे विच मैनशन की है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यह ध्यान रखना। तो आर्टिकल दे विचों क्वेश्चन पूछा गया, आर्टिकल्स आपां किहड़े किहड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट याद रखने आ, इस चीज़ नूं देख के ना घबरायो कि आर्टिकल्स दे विचों क्वेश्चन पूछ लिया, जिवें कि जॉइंट सिटिंग हो गया, है ना, मनी बिल हो गया, अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, या पार्डनिंग पावर्स का आर्टिकल पूछ लिया, या ऑर्डिनेंस पावर का आर्टिकल पूछ लिया, ये जिहड़े इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ने, ये आपां नूं वैसे भी याद होने चाहिए आ, ठीक है जी। उस तो बाद वैन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन इज़, अच्छा हुण डिफलेशन की हुंदा, डिफलेशन हुंदा रेट दा घट जाना, ठीक है, मतलब कि प्राइसिस दे विच फॉल आ जाना, फॉल इन प्राइसिस। हुण इत्थे की कहा कि ने टू मच मनी, कि बहुत ज़्यादा पैसा जिहड़ा बहुत घट चीज़ां नूं चेज़ कर रहा है, मतलब कि सप्लाई की है घट है तो डिमांड की है ज़्यादा। हुण जदों देखो डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई घट होगी तो प्राइस की करूगा राइज, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप मैंगो खरीदन जाने, अंब खरीदन जाने आप बाज़ार दे विच, फॉर एग्जाम्पल उत्थे जिहड़े आ काफ़ी सारे वैसे वेंडर्स ने, बट उन्होंने कोले की है 10-10 अंब ही ने, ठीक है, 10-10 अंब ही ने, बट खरीदने वाले बहुत ज़्यादा ने, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा ने, तो लोग की करेंगे प्राइस ज़्यादा लाना शुरू कर देंगे कि यार इदा कर तू मैनू दो अंब दे दे पैक कर दे ते मैं तो 100 रुपया ले ला, है ना। दूजा कहूगा कि नहीं नहीं यार मैनू चाहिए आ कि मैं तो 200 ले ला, मैनू सारे दे दे, या मैनू 3 दे दे,
ठीक है, या मैनू चार दे दे, मैं तेनू 500 रुपये दे दिना, तो प्राइस जोड़ा वह बजूगा, क्यों? क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई घट है। जो चीज़ा थोड़िया होटोमैटिकली की कर दें, प्राइस हाई कर दें, ऑटोमैटिकली मार्केट के हो जाता राइज आ जाता है। ठीक है जी, तो इतने वैसे आंसर की है, इनफ्लेशन रिसेशन की होंगे कि जदों डिमांड है जी बहुत ज़्यादा लो हो जाए, सप्लाई ज़्यादा है बट डिमांड बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है, वह होंगे रिसेशन के भाई उठी नीड ही डिमांड। स्टैगफ्लेशन की है, जदों इनफ्लेशन भी वजे प्लस अनइंप्लॉयमेंट भी वजे, उस सिचुएशन स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इतने आंसर की है अपना, इनफ्लेशन, महंगाई। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज़ ऑलसो नोन टू बी बिगनिंग ऑफ द पार्लीमेंटरी सिस्टम इन इंडिया। अच्छा, हुण इन्होंने पूछा है कि भारत दे विच पहली बारी किहड़े एक्ट दे द्वारा पार्लीमेंटरी सिस्टम है जिहड़ा उह लियांदा गया। 1892 नहीं, 19 इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 नहीं। इत्थे वैसे इनडायरैक्ट इलैक्शन जिहड़े आ उह होण लग गए सी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1904 ये तो कोई एक्ट ही नहीं है, ठीक है। 1919 इत्थे आपां कह सकते हैं कि डायरकी सिस्टम की शुरुआत हुई सी, तो बाय कैमरलिज़म है जिहड़ा उह लियांदा गया सी पार्लीमेंट दे विच। बट अगर आपां देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए बर्थ ऑफ लैजिस्लेचर इन इंडिया, कि भारत दे विच लैजिस्लेचर है जिहड़ा उसका बर्थ कदों होया या जन्म कदों होया, तो उसका आंसर होना सी चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। इस दे विच एक इंडियन लैजिस्लेटिव काउंसिल है जिहड़ा वह बनाया गया सीगा एग्जीक्यूटिव वाइसराय दे एग्जीक्यूटिव विचों अलग कढ के, ठीक है। इंडियन लैजिस्लेटिव काउंसिल एक अलग तो बनाया गया सी जिन्हों के मिनी पार्लीमेंट भी कहा जाता सी। बट ऐसे अगर उन्होंने पार्लीमेंटरी सिस्टम पूछा तो उसका आंसर की है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है जी, क्योंकि इतने डायरकी सिस्टम वगैरह लेके आए थे तो सेंटर के बायकैमरलिज़म लेके आए थे। नैक्सट क्वेश्चन के चलते हैं, हू अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मास्टर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। हिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है, मंगल पांडे इज़ द राइट आंसर, क्योंकि मंगल पांडे तो बाद ही जो रिवॉल्ट है वो आउटब्रेक होया सी। उस तो बाद बरदौली सत्याग्रह वॉज लैड बाय वल्लभ भाई पटेल, 1928 दे विच बरदौली सत्याग्रह है जिहड़ा वह वल्लभ भाई पटेल ने लीड किया सी, ते इस तो बाद ही इन्हों जो टाइटल है वह मिलया सीगा सरदार दा, ते औरतां मतलब कि काफ़ी ज़्यादा तादाद दे विच इस सत्याग्रह दे विच जुड़िया सी, ते उस तो बाद ही उन्होंने औरतों ने वल्लभ भाई पटेल जी नू सरदार दी उपाधि है जिहड़ी वह दित्ती सी, ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, विच इंडियन टीम वन द रणजी ट्रॉफी टाइटल इन 2023। सौराष्ट्र, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ठीक है, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है। सेकंड स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आंसर है चाइना, इंडोनेशिया नहीं है, चाइना, ठीक है। 2023 दे विच जिहड़ी एशियन गेम्स होनिया ने उन्हां दा वेन्यू चाइना रख्या गया है। उस तो बाद अच्छा, अगर तुहानू कोई भी डाउट हुंदा है इन्हां क्वेश्चन दे रिगार्डिंग या कोई भी चीज़ दे रिगार्डिंग, तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट करके सानू पुछ सकदे हो, जल्दी तो जल्दी असी रिप्लाई करन दी जिहड़ी कोशिश करांगे। उस तो बाद एक डिस्क्रिप्शन दे विच नीचे लिंक दिता गया व्हाट्सएप ग्रुप का, जिस दे विच कि तुहानू असी अपडेट्स दिंदे रहांगे आने वाले एग्जाम्स दे पर आने वाले एग्जाम्स दियाँ, तो कोई भी थानू स्टडी मटीरियल या वीडियोस दे लिंक्स ने जिहड़े उत्थे थानू प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो अभी पीडीएफ थोड़े लिए लैके आया पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए एक कोर्स, जिस दे विच के तुसी नायब तहसीलदार, फूड इंस्पैक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर, पंजाब पुलिस, एक्साइज टैक्सेशन इंस्पैक्टर की तैयारी कर सकते हो, जिस दे नाल जिस दे विच के थानू 90% का डिस्काउंट भी दिता जा रहा है, ठीक है जी। तो इसका लिंक जिहड़ा वह तुहानू डिस्क्रिप्शन दे विच मिल जाएगा, उत्थे जाके तुसी कोर्स नू बाय कर सकते हो, तो अगर कोई डाउट होवे तो तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।